हैं अभी हम चाय पीने के लिए, और देखो कैसी ये पूरी रोड है। नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, पत्थरों वाली पूरी, जबरदस्त पत्थर। और इधर का व्यू, तीन व्यू है यहाँ पे, उधर एक अलग व्यू है, ये एक अलग व्यू है, ये एक अलग व्यू है, और ये एक अलग व्यू है। तो इस तरीके से ये पूरी जो हट बनी हुई है ना, इसके अंदर डॉर्मेट्री है, मतलब अगर आप इमरजेंसी में फंस जाओ तो यहाँ पे पूरे बेड बने हुए, मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर आप आराम से, अभी दिखाता हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से डॉर्मेट्री। ये बेड बचे हुए, मैं तो यहाँ सो गया अभी आधे घंटे का, पावर नैप लिया मैंने, सब सामान मिल जाएगा यहाँ पे, इनो बिस्किट्स जो चाहिए सब मिलेगा, गर्म कपड़े। ये बैठे परेशान जी हमारे, और ये रही हमारी ड्रीम बाइक, ये ड्रीम बाइक। अभी हम भरतपुर से निकल रहे हैं सरचू की तरफ, रोड बहुत अच्छा बन गया है, हाईवे बन गया, हाईवे मतलब रनवे है ये, आप जहाज उतार बन गए, अच्छे रोड बन गया। अगर जिन लोगों ने आज से कोई 8-10 साल पहले गाड़ी चलाई है इन रोडों पे, तो उनको तो आइडिया है कि पहले क्या हालत थी रोडों में, हालत खराब हो जाती थी, अपनी शक्ल पहचान में नहीं आती थी, लेकिन जब हम पहुँचते थे तो खुद की शक्ल पहचान में नहीं आती। अभी तो ये बहुत ही अच्छे रोड बन गए हैं, कार 800 आप कुछ भी लेके चल पड़ो, नैनो बहुत अच्छे से जाएगी यहाँ पे। अभी हम भरतपुर से निकले, सरचू आएगा, सरचू के गार्डन को क्रॉस करके देखते हैं नाइट से, आते बांग में करेंगे या शोकर की साइड में निकलेंगे, देखते हैं कितना टाइम बचता है, क्या है क्या नहीं है। रोड देखिए आप, रोड एकदम नीट एंड क्लीन, हाईवे पूरे हाईवे हैं, मतलब आपको वो जो एक ले जाने का एक क्रेज होता था कि हाँ मैं ले जाके आया, या बहुत बड़ी बात होती थी इस टाइम में ले जाना, अब सारा हाईवे है, कोई भी जाओ जिसका दिल करता है वो जा सकता है, सुबह गाड़ी उठाओ शाम को ले, कोई ऐसा ज़्यादा ये नहीं है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था कि इन इस जगह पे निकलने के लिए बस 12 से सरचू पहुंचने के लिए 3-4 घंटे लगते थे, जहां आज हाफ एन आवर में आप पहुंच जाते हैं। यही जो जगह है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, गाड़ी को ये पत्थरों के ऊपर चला के निकलना पड़ता था। देखिए बाइक की स्पीड अप्रोक्स कोई 60 या 70 होगी, इस स्पीड से बाइकर निकल रहे हैं, मेरी खुद की स्पीड 50 के करीब चली हुई है। दोस्तों हम पहुंच गए सरचू, और यहाँ पे लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं, ऑक्सीजन लेवल यहाँ बहुत कम रहता है। और देखो सामने के जो पहाड़ है, वो आप उसका व्यू देखो यार, उसके ऊपर जो शेडो आ रहा है ऊपर बादलों का, मतलब कितना ही प्यारा लग रहा है, मतलब अभी तो कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट। थोड़ा विंड नॉइज आएगी आपको, सो विंड नॉइज आएगी आपको, और ये देखिए
बहुत ही अलग है। दोस्तों ये है सरचू की चेक पोस्ट। यहाँ सरचू खत्म हो जाता है, अब जो आगे लद्दाख शुरू हो जाएगा, तो एक चेक पोस्ट लद्दाख की भी अभी आएगी जहाँ हमें एंट्री करानी पड़ेगी। अभी प्रशांत जी गए हैं वहाँ पे एंट्री कराने, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है हम लोगों को। तो अभी लद्दाख वाले में भी जाएंगे एक बार एंट्री कराने। तो ये आ गया है लद्दाख का जो एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे प्रशांत जी गए हैं एंट्री करवाने के लिए, उसके बाद हमें यहाँ से देख लो आप लेह 251 किलोमीटर, कारगिल 475, श्रीनगर 643 और ये लोमा हनले सब कुछ है यहाँ से। तो आ गए प्रशांत जी, चलते हैं आप।
ऑफरोडिंग कर रही थी थार, उस गियर और देखो ट्रक वहाँ पलटा हुआ है। और अब देखते हैं, थोड़ी सी गलती भाई सब कई बार हो जाती है, ऐसा नहीं करो, मैंने भी करी थी भी गलती, लेकिन हाँ निकल गए। बट यहाँ ना रिस्की भी हो जाता है कई बार, देख रहे हो आप नीचे। सबने पार कर दिए, कुछ व्यू इस टाइप का। ये खड़ी हमारी गाड़ी, फोर लो लगाया हुआ इसमें शॉर्टकट, ये कहाँ गुजरा शॉर्टकट लेने, चलो रहने दो, पता नहीं अब आप चढ़ा पाएंगे नहीं चढ़ा पाएंगे। कहाँ उतरेगा वो? ऊपर वाले रोड से मिल जाएगा, तो फोर लो हाई पे जाएगा गाड़ी, टू पे जाएगा। देखो आप फंस गए तो आप हो ही, अरे फंस गए तो ऊपर से गाड़ी रिवर्स नहीं आएगी नीचे, क्या बात कर रहे हो। चलो लो लो लूप के शॉर्टकट। अमित भाई मजा आया, आराम से आ रहा है, गुहा बस कह रही हूँ, गुहा पलट जाएगी गाड़ी का, सीधा जाने लू चली जाएगी। आप बाहर से वीडियो बनाता हूँ, देखो 4x4 लगा लो और इधर से गाड़ी लो, मैं बाहर से बनाता हूँ। 4x4 है वो लगाओ, वन पे लू, वन पे यहाँ से लू ना, यहाँ से लू ना।